तो बेटा क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे हैं अपने इस क्लास में। गोल्ड और सिल्वर पार्टनर है 2:5 में, दे एडमिट सी ऑन द कंडीशन दैट ही विल ब्रिंग 14,000 ईच ईयर ऑफ गुडविल टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, सी शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट और लॉस विल बी 1/4। सी का फ्यूचर में कॉपर का 1/4 क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड व्हाट अमाउंट ऑफ गुड विल ब्रॉट बाय कॉपर विल बी रिसीव्ड बाय द गोल्ड और सिल्वर। पहले तो कहता नया रेशियो निकालो, नया रेशियो कैसे निकालोगे बेटा, टोटल प्रॉफिट 1 है उसमें से 1/4 कौन लेगा, सी, तो कितना बचा 3/4। बोलो बात समझ आएगी, किसने कितना दिया नहीं बताया, तो नया रेशियो निकाले 3/4 बचा। अब गोल्ड कितना लेगा, 3/4 का 2/7 और सिल्वर 3/4 का 5/7, ये कितना है 6/28 और 15/28। गोल्ड सिल्वर और कॉपर 6/28 इसका न्यू आया, इसका 15/28 और इसका क्या 1/4, किससे मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे बताओ, 7 से। बोलो तो क्या आ जाएगा, क्या जाएगा ये 7/28। तो नया रेशो क्या है 6:15:7। ये तो इसने नया रेशो पूछा था, पहला पार्ट का आंसर ये आ गया, कोई डाउट है क्या। अब क्वेश्चन ने ये पूछा है व्हाट अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय इन बाय सी विल रिसीव गोल्ड और सिल्वर। कहता कितनी अमाउंट रिसीव होगी, एंट्री नहीं पूछी कोई भी, ध्यान से सुनो पहले, नोट बाद में करना बेटा। सी बताओ गुडविल कितनी लेके आएगा, 14,000 रुपए। सी ब्रिंग गुडविल कितनी लेके आएगा, 14,000। ये गुडविल किसको मिलेगी, ओल्ड पार्टनर को, किस रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो में, गोल्ड और सिल्वर सैक्रिफाइस रेशियो 2:5 ही है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या बेटा, कारण कि पहले मेथड में ओल्ड रेशियो क्या होता है, तो बेटा 14,000 को आप इस रेशियो में बांट दो 2/7 और 14,000 का 5/7 कितना है ये बताओ, 4,000 और 10,000, मतलब इसको 4,000 मिलेंगे और इसको 10,000। एंट्री नहीं पूछी कोई, उसने नोट कर लो इसको जल्दी से।